अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन में खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे पर औरंगपुरा में कलेक्ट्रेट के पास चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, कई मकान और दुकान जमींदोज, महिलाओं ने किया जबरदस्त हंगामा। खंडवा वडोदरा स्टेट हाईवे स्थित औरंगपुरा क्षेत्र में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन का अमला लाव लश्कर के साथ पहुंचा। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एसडीएम मिलिंद्र ढोके और तहसीलदार के सामने पहुंच गई। कुछ महिलाओं ने हाथ जोड़कर तो कुछ महिलाओं ने रोष व्यक्त कर अतिक्रमण हटाओ मुहिम को भेदभावपूर्ण बताया और जमकर हंगामा किया। इसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एडिशनल एसपी डॉक्टर नीरज चौरसिया, एसडीओपी रोहित सिंह अलावा, नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल के साथ महिला पुलिस बल, तहसीलदार और कई पटवारी मुस्तैद थे। करीब आधे पौन घंटे तक विवाद की स्थिति के चलते और महिलाओं के काम नहीं करने देने के कारण गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाहन लगाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस वाहन लगा आंदोलन कर रही महिलाएं धीरे धीरे कर पीछे हटने लगी। एक दबंग महिला जो जमकर विरोध कर रही थी, जब डीएसपी अंजलि रघुवंशी ने उन्हें कहा या तो थाने चलो या फिर यहां से चले जाओ। कुछ देर बाद महिला भी उक्त स्थान से चली गई। इसके बाद शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ मुहिम। कई मकान अतिक्रमण से हटाए गए, करीब 85 अतिक्रमित घर और दुकानें तोड़ी जाना है। इस तरीके से ये कार्रवाई तो इसलिए कर रहे थे कि जो हमको नोटिस दिया था रोड से नाप के हमको चिन्हित किया गया था कि ये यहाँ तक आपके अतिक्रमण में है, शासकीय जमीन है, रोड के लिए जरूरी है। तो हमने कहा कि खरगोन के विकास के लिए हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे, हमने खुद जमीन खाली करके दी है। उसके बाद अब ये जो जमीन है, ये पीछे वाला जो है जमीन वाला और कुछ भूमाफिया मिले हुए हैं उसमें, और कुछ नेता उन भी मिले हुए हैं, और दोनों तीनों पार्टी के मिले हुए है ना, और वो चाहते हैं कि ये पूरा टूट जाए और ये पीछे की जमीन को वो लाखों करोड़ों में बेचे। ये खेल चल रहा है, देखा जा रहा है कि सिर्फ एक साइड ही, एक साइड तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीछे जमीन है कीमती और उसको खाली करवाना, खरगोन के भूमाफिया उसको खाली करवाना चाहते हैं है ना, और उस जमीन से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। इसके लिए आपको नोटिस वगैरह जारी किया? हाँ, इसके लिए कोई नोटिस जारी किया? हमको नोटिस दिया था, जितनी जमीन का नोटिस दिया था ये नोटिस है, और हमने जवाब दिया है कि हम स्वेच्छा से खाली करके देंगे, हम रोड के निर्माण में बाधा नहीं पहुँचाएंगे। जितनी जमीन रोड को चाहिए, शासन को चाहिए, एनएच को चाहिए, हम देंगे, और हमने खुद ने तोड़ के दी, और सभी लोगों ने 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए खर्च करे तोड़ने में भी और पीछे शटर वगैरह दरवाजे लगाने में भी। और प्रशासन अभी तक ये कह रहा था, एसडीएम साहब खुद ने मीटिंग ली थी, हम खुद मीटिंग में सब लोग शामिल थे, और एसडीएम साहब ने कहा था कि अगर जो बची हुई जमीन है उसमें अगर तुम्हारी पूर्ति हो जाती है तो तुम तुम्हारा निवास और तुम्हारा दुकान रख सकते हो है ना, और उसके बाद ये एकदम से अचानक, मतलब कि पता नहीं किसके दबाव में, राजनेताओं के कि क्या पैसे का दबाव है या राजनेताओं का दबाव है, उसके कारण ये मतलब कि इनने ये अचानक कार्रवाई चालू कर दी। हठधर्मिता करते हो, गलत कर रहे हो। हठधर्मिता है, पूरी तरह हठधर्मिता है। मतलब ये देखो ना, पेपर देखो, सबके पास है, सबको जो नोटिस दिया, सबको जितने स्क्वायर फीट जमीन खाली करने का बोला सबने दिए। कार्रवाई पूरी तरह गलत है, 100% गलत है। दो बार तोड़ मतलब कोई इनको, कोई रीजन ही नहीं है ना उसका, ये कार्रवाई का। ये एनएच का निर्माण हो रहा है, उसके तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 124 मीटर इन्हें जरूरत है एनएच बनाने के लिए, उसमें जो भी अतिक्रमण आ रहा है शासकीय भूमि उन्हें हटाया जा रहा है। कुछ लोगों का विरोध भी होता है कि निशान लगाया गया तो उसके बावजूद भी हटाया जा रहा है? नहीं, विरोध तो खैर थोड़ा बहुत चलता है, पर जिनका शासकीय भूमि में उन्हें हटाना पड़ेगा उन्हीं को हटा भी रहा है। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, खरगोन।